लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी गोल्डी बरार के हत्या की खबर से एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों को सुकून मिला, वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई के चाहने वालों का दिल छल्ली हो गया। दोस्तों, कहा जा रहा है गोल्डी बरार के जिंदा होने की खबर ने लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों का जीना हराम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन बंदों ने गोल्डी बरार की हत्या का जिम्मेदारी लिया था, अब कहा जा रहा है उसका जीना हराम तो होना तय है। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों किस तरह से गोल्डी बरार को लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों, आपको याद होगा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करा गया, पहले 2 को, फिर 1 को, फिर बाद में 2 को, और उन दोनों में से एक आरोपी जो कि मर गया, जिसका नाम अनुज थापन है। दोस्तों, इस अनुज थापन के मरने के बाद कहा जा रहा है मुंबई पुलिस का तो दिमाग खराब हो गया। अब दोस्तों, मुंबई पुलिस ही उल्टा जेल जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों क्या है पूरा का पूरा मामला, एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों, और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार की हत्या की खबर ने लोगों को चौंका कर रख दिया था। एक पल के लिए तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गोल्डी बरार सही में मर भी सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी चर्चा करा था गोल्डी बरार के बारे में, यह बंदा जो कि अब जिंदा है। आपको बता दूं, इसके मरने की खबर जैसे ही आई वैसे ही इसके दुश्मनों ने जिम्मेदारी ले लिया था। यह गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला और यह गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा, इन दोनों ने कहा हम दोनों ने ही मिलकर के इसका हत्या करा है। और आपको बता दूं दोस्तों, चारों तरफ सोशल मीडिया पर लोगों को यह लगने लग गया कि भाई ये दोनों तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये दोनों जब गोल्डी बरार को मार दिया तो ये लोग तो कुछ भी कर सकता है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सलमान खान ने ही गोल्डी बरार का खात्मा करवाया होगा। तो कई सारे लोग कई तरह की बातें बोल रहे थे। लेकिन अब दोस्तों, गोल्डी बरार के जिंदा होने की खबर जो कि कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों का पसीना छुड़ा दिया। इससे पहले दोस्तों चर्चा कर लेते हैं सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार करा गया था वो किस तरह से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम के हिरासत में खुदकुशी कर लिया। आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, इस आरोपी का नाम है अनुज थापन। आपको बता दूं, गैंगस्टर अनुज थापन को गिरफ्तार करा गया था 25 अप्रैल 2024 को। दोस्तों, बताया जाता है 1 मई 2024 को खबर निकल कर आती है कि ये खुदकुशी कर लिया। बताया जाता है दोस्तों, क्राइम ब्रांच की टीम की हिरासत में ही ये जेल के अंदर बंद था। और दोस्तों, बताया जाता है तकरीबन 12:15 हो रहे थे, उसी दौरान पुलिस वालों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्तों, बताया जाता है जब पुलिस वालों ने हवालात में इसे ढूंढा तो देखा गया कि ये तो हवालात में है ही नहीं, पता ये चला कि कुछ समय पहले ये वॉशरूम गया था। और दोस्तों, तकरीबन बताया जाता है 1.5 घंटे से भी अधिक हो गए थे और ये वॉशरूम से बाहर नहीं निकला। जब पुलिस वालों ने दरवाजा खोलने का प्रयास करा तो दरवाजा तो अंदर से बंद था और अंदर में इसने खुदकुशी कर लिया था। अंदर में इसने खुद के गले को फांसी के फंदे से टांग दिया था। तो आपको बता दूं दोस्तों, इस बंदे के बारे में जब पुलिस वालों को पता चला, ये फांसी लगा लिया, उसके बाद तो पुलिस वालों का पसीना छूट गया था। और आपको बता दूं दोस्तों, इसके मर जाने के बाद अब कहा जा रहा है पुलिस वालों का कुछ ज्यादा ही पसीना छूटने लग गया है, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है इस मामले में सीबीआई जांच की जा रही है। क्योंकि आपको बता दूं, इस मामले का जिम्मेदारी दिया गया है सीबीआई की टीम को। और कहा जा रहा है दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया सीबीआई की टीम इस मामले में जांच करेगी। और कहा जा रहा है दोस्तों, इस मामले में इनके परिवार वालों का भी अलग तरह का ही आरोप है। आपको बता दूं, पुलिस हिरासत में मरने वाला आरोपी अनुज थापन के मरने के बाद इसके परिवार वालों का आरोप यह है कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती करके इसका हत्या कर दिया। दोस्तों, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पर ही आरोप लग गया। आपको याद होगा दोस्तों, 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुआ था। और फायरिंग के बाद सलमान खान, उसके परिवार वाले, उसके चाहने वाले या उनके जितने भी करीबी थे, चाहे उनके बॉडीगार्ड ही क्यों ना हो, हर किसी का दिमाग खराब हुआ था। तो आपको बता दूं, सलमान खान तो फिलहाल सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, सलमान खान के ऊपर फायरिंग के मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार करा गया, उसके मरने के बाद अब खुद पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है। कहा जा रहा है दोस्तों, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम की मुश्किल बढ़ गई है। इस मामले में अगर दोस्तों पुलिस वाले जिम्मेवार साबित होते हैं, अगर पुलिस वालों के कारण ये मरा होगा, तो पुलिस वालों को ही उल्टा जेल जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि अनुज थापन मरते मरते बड़ा खेल कर गया। ये बंदा खुद तो मर ही गया, लेकिन जिन जिन पुलिस वालों की मौजूदगी में मरा, उन पुलिस वालों का तो अब जीना हराम हो रखा है। कहा जा रहा है दोस्तों, पुलिस वालों से भी सीबीआई की टीम ने कई बार पूछताछ करी है और इस मामले में अच्छे से जांच पड़ताल करा जा रहा है। इसके परिवार वालों का कहना है कि हमारे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए,
ठीक है मेरे बेटे ने अपराध करा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पुलिस वाले जेल के अंदर उसे मार दे। इस मामले में कहा जा रहा है दोस्तों सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है, अब देखते हैं जांच पड़ताल के बाद क्या क्या खुलासा होता है। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से गोल्डी बरार के जिंदा होने की खबर, जो कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जिंदा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों का हक्का बक्का गुम हो गया है। आपको पता ही होगा दोस्तों सलमान खान हो, चाहे सिद्धू मूसेवाला के समर्थक हो, चाहे बम्बीहा गैंग हो, ये तमाम जितने भी लोगों का मैंने नाम बोला, ये सभी लोग जो कि लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन हैं। और आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने के लिए कई बार पुलिस वालों ने भी प्रयास करा, लेकिन पुलिस वालों का प्रयास भी विफल रहा। वहीं अगर बात करा जाए इसके दुश्मनों का, तो इसके दुश्मनों ने भी कई बार प्रयास करा, लेकिन वो लोग भी विफल रहा। कई बार दोस्तों देखा गया गैंगवार की वारदात, लेकिन गैंगवार की वारदात के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये गैंग और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गया। और आपको बता दूं गोल्डी बरार के मरने की खबर जब आई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि लॉरेंस गैंग तो खत्म, राम नाम सत्य स्वाहा, ऐसा लग रहा था दोस्तों कि ये गैंग अब चलेगा नहीं, गैंग ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, खुद लॉरेंस बिश्नोई भी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों अगर गोल्डी बरार सच में मारा जाता तो लॉरेंस बिश्नोई तो डिप्रेशन में जाता ही जाता, फिक्स है। और लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड संपत नेहरा के बारे में आपको पता ही होगा, संपत नेहरा को भी बहुत ज्यादा चिंता होता, तो कहीं ना कहीं दोस्तों गोल्डी बरार जिंदा हो गया है। और अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो कहा जा रहा है जिन जिन लोगों ने गोल्डी बरार की हत्या का जिम्मेदारी लिया था, अब उनकी हत्या का जिम्मेदारी गोल्डी बरार ले सकता है। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है गोल्डी बरार गुस्से से आग बबूला है, और गुस्से से आग बबूला इसलिए है क्योंकि ये जिंदा ही था, और दूसरी तरफ इधर इंडिया के अंदर खबर चल रहा था कि ये मर गया। और दोस्तों इसके मौत की खबर के बाद इन बंदों ने जिम्मेदारी लिया था, आप देख सकते हो यह अर्शदीप डल्ला और यह गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा। तो कहा जा रहा है दोस्तों गोल्डी बरार का अगला निशाना यही दोनों हो सकता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल आपको बता दूं इन लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है ये लोग खालिस्तानी है। ये बंदा जो आपको दिख रहा है ये मर गया है, इसका नाम है सुखदूल सिंह सुखा, सुखा दोनों के, तो ये मारा जा चुका है। तो आपको बता दूं इन दोनों बंदों को कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने टारगेट पर ले लिया है, तो देखते हैं दोस्तों कब तक ये टारगेट फाइनल होता है। बाकी देखो मैं तो कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारियां निकल कर सामने आई मैंने आपको बता दिया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने दो जानकारी दिया। पहला जानकारी ये दिया दोस्तों कि जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुआ, फायरिंग के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार करा गया था जिसका नाम अनुज थापन था, अनुज थापन जिसने पुलिस कस्टडी में जान दे दिया। हालांकि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में कुल 5 अपराधियों को पकड़ा गया था, जिसमें से एक अपराधी मर गया और 4 अभी बचा हुआ है, देखते हैं उन चारों का क्या होता है। उसके अलावा दूसरी जानकारी आपको मैंने दिया गोल्डी बरार के जिंदा होने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों का पसीना छूट गया। तो एक एक करके तमाम बातों का जानकारियां मैं आप लोगों को आगे भी देता ही रहूंगा। आप लोग सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, गलत काम मत करना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। एक बार फिर से अंत में कहना चाहूंगा मैं कभी किसी अपराधी का समर्थन ना ही करता हूं ना ही करूंगा, और ना ही मैं अपने वीडियोस देखने वाले भाइयों से कहता हूं कभी भी इस तरह का हरकत करो, क्योंकि दोस्तों अपराधिक काम करोगे तो जेल जाने से तो कोई बचा नहीं सकता है, जिंदगी झंड हो जाएगा। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना।